देश में इन दिनों इंडियन प्रीमियर लीग की धूम मची हुई है। हर जगह सिर्फ और सिर्फ आईपीएल के आगामी 11वें सत्र की ही चर्चाएं सुनने को मिल रही हैं। आईपीएल में जितना आनंद खेल प्रेमी को चौके और छक्कों का मिलता है, उतना ही मजा खेल प्रेमियों को मैदान पर अन्य चीजों के कारण भी मिल जाता है। बात अगर आईपीएल के सबसे मशहूर कमेंटेटर डैनी मॉरिसन की करें तो उनके मजाकिया अंदाज से दुनिया भलीभांति परिचित है। डैनी मॉरिसन ने जितनी सुर्खियां एक खिलाड़ी के तौर पर हासिल की उतनी ही चर्चा में वो संन्यास लेने के बाद भी रहे। डैनी मॉरिसन सबसे ज्यादा सुर्खियों में तब रहे जब उन्होंने 2013 के आईपीएल में होस्ट करिश्मा कोटक को गोद में उठा लिया था। आईपीएल की एक्स्ट्रा इनिंग के दौरान डैनी मॉरिसन ने एंकर करिश्मा कोटक को अपनी गोद में उठा लिया था। दरअसल करिश्मा कोटक को डांस सिखाते सिखाते उन्होंने करिश्मा को गोद में उठा लिया और करिश्मा भी एकदम दंग रह गई और हंसने लगी। कुछ इस अंदाज में डैनी ने करिश्मा कोटक को उठा लिया था। डैनी मॉरिसन न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज रह चुके हैं। 2013 के आईपीएल के दौरान एक्स्ट्रा इनिंग के सेट पर फिल्म गो गो अगोन के गाने पर डांस करते हुए डैनी। 2015 के सीपीएल के दौरान डैनी ने एक चीयरलीडर को गोद में उठा लिया था। 2016 के आईपीएल के दौरान कुछ इस अंदाज में दिखाई दिए थे डैनी मॉरिसन। डैनी मॉरिसन एक सरदार बने थे। 2010 के आईपीएल में एक फीमेल एंकर को गले लगाते हुए डैनी। आईपीएल में मजे करते हुए डैनी मॉरिसन। एक लाइव मैच में कमेंट्री के दौरान डैनी।